नमस्कार दोस्तों, पाकशाला खाना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इजी तरीके से रोटी बनाने का विधि दिखाती हूँ, वो भी इस प्रेस मशीन को इस्तेमाल करते हुए। गैस के ऊपर मैंने ये पैन को रखा है, थोड़ा सा तेल डालती हूँ। अभी ये मस्टर्ड और जीरा दाने डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा फ्लटर होने के बाद हींग इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी हम इसमें बारीक से कटा हुआ ये आपको डाल देते हैं। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से सोते कर लेंगे। ये प्याज हमारा भुन चुका है। अभी हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे रोटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छे से इसे 10 सेकेंड के लिए भून लेना है। आप देखते हैं रोटी बनाने का विधि स्टार्ट टू एंड तक टिके रहिए, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर डाल देती हूँ। मैं यहाँ पर मसालेदार रोटी बना रही हूँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। 5 सेकेंड ऐसे भूनने के बाद यहाँ पर मैंने गरम पानी डाल रही हूँ। 1 कप लिया था, वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर गरम पानी डाल देती हूँ। गैस के आंच को हाई फ्लेम में रख देती हूँ। आप देख सकते हैं पानी उबल रहा है। इस समय पर गैस का फ्लेम को थोड़ा कम करते हुए फिंगर मिलेट का फ्लोर है उसे डाल देती हूँ। डालने के बाद आंच को बहुत ही कम करते हुए इसे अच्छे से घुमाना है। ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अभी तवे को गर्म करने के लिए रख देते हैं और इस मिश्रण को अच्छे से ठंडे होने के लिए रख देंगे। ये बहुत ही टेस्टी रहता है, बटर के साथ या फिर अचार के साथ आप खा सकते हो। इस रेसिपी को दोबारा करके दिखा रही हूँ, विदाउट एडिट करते हुए, लाइव स्ट्रीम है ये। देखिए अभी ये ठंडा होने लगा है। अभी इस समय पर ऐसे लोरिया बना लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई लंप नहीं फॉर्म हुआ है। ऐसे लोरिया बना के प्रेस कर देंगे तो ये फिंगर मिलेट का रोटी बन जाएगा। ये प्रेस मशीन है, इसका साइज 7 है। यह आसानी से आपको अमेज़न पे या फिर कोई स्टील शॉप मिल जाएगा। इसे अच्छे से ऐसे गोल करना है, बाद में प्रेस को ऐसे खोलकर कवर को रखकर ठीक सेंटर पे डो को रखकर ऐसे थोड़ा सा प्रेस करने के बाद पहले आपको सेंटर में प्रेस करना है, बाद में टुवर्ड्स द अपर साइड प्रेस करना है और बाद में नीचे के ओर यानी कि लोअर साइड ऐसे प्रेस करने के बाद
देखिए कितना अच्छा रोटी प्रेस हो चुका है। इसको अच्छे से सेकने के बाद निकाल लेंगे। अभी ये रोटी सेक चुका है, इसको साइड पे रख लेंगे और ये प्रेस किया हुआ रोटी को ऐसे लेकर तवे के ऊपर डाल देंगे। ये फिंगर मिलेट रोटी देखिए कितना अच्छे से बना है। आप देख सकते हो मेरे पाम से भी बड़ा है रोटी और कितना अच्छा बना है। इसको पलट देंगे, कितने सुंदर से बन चुका है। इस रोटी को आप आचार के साथ या फिर कोई सब्जी के साथ या फिर ऐसे ही बटर के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें नमक है, चिली पाउडर है और ऑनियंस भी फ्राई करके डाला हुआ है। इसलिए आप जैसे परोठा खाते हैं ना, वैसे ही आप खा सकते हो। इसको साइड में निकाल कर रख देती हूँ और बाद में और एक कॉफी बना लेंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप जो कवर लेते हैं ना, वो थोड़ा मोटा रहना चाहिए। और बाद में प्रेस टिक मैंने बताया ना, ऐसे अप्लाई कीजिए प्रेस टुवर्ड्स द सेंटर और बाद में ऊपर एक प्रेस और नीचे की ओर और प्रेस। मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा रोटी निकाला था, अभी आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा रोटी बन चुका है आपके सामने है। ये प्रोडक्ट आप जरूर ट्राई कीजिए। इसको निकाल कर डालना भी बहुत ही आसान है। इसकी ओर मैं थोड़ा ऑयल को डाल देती हूँ और आंच को मीडियम में रख देती हूँ। आप जरूर कमेंट करके लिखिए, मैं और एक बार वीडियो को लाइव स्ट्रीम में इस रोटी को बना के दिखाती हूँ, वो भी वीट फ्लोर का रोटी बना के दिखाती हूँ। ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम है। सॉरी इफ आई मेड एनी मिस्टेक्स। अच्छे से पकने देते हैं। ओके चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। एक लाइक देना मत भूलिए। ओके थैंक यू।